प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक वाली कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, यानी कांच में आपको प्रकाश की चाल निकालना है। कब? जब निर्वात में प्रकाश की चाल दी है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आइए अब देखते हैं कि इस प्रश्न को क्या सॉल्व करेंगे। तो क्या निकालना है? कांच में प्रकाश की चाल निकालना है। कांच में प्रकाश की चाल निकालना, सबसे पहले क्या दिया है उसकी हम बात कर लेते हैं। इस प्रश्न में जो दिया है उसको देखते हैं। यहां पर दिया है म्यू जी, यानी ग्लास का अपवर्तनांक, यह है 1.5। और क्या दिया है? निर्वात में प्रकाश की चाल दी है C=3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या सेकंड इनवर्स हम इसको कह सकते हैं। अब अपवर्तनांक जो है किसका निकालना है, अपवर्तनांक का जो फार्मूला है उसको देखते हैं हम। म्यू जी इज इक्वल टू C/Vg, यानी ग्लास का जो अपवर्तनांक है उसको हम निकाल रहे हैं किसके कंपेयर में, C/Vg। इसकी वैल्यू देखते हैं, इज इक्वल टू सी कितना है 3×10⁸, वीजी इज इक्वल टू ये, म्यूजी कितना है 1.5। ठीक है, अब ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसका, तो क्या बचेगा यहां पर देखें 3×10⁸/1.5 इज इक्वल टू वीजी वेलासिटी इन ग्लास। इसको काटेंगे अपन तो ये 1 और ये आएगा 2, 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2×10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स। ये जो आया आंसर आपका, ये हो गया वीजी, यानी ग्लास में प्रकाश की चाल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों को जरूर बताएं। ओके, थैंक यू, जय जिनेंद्र।